त्रिफला क्या है? त्रिफला एक आयुर्वेदिक रसायन है जो कि तीन फलों का मिश्रण है। ये तीन फल हैं आंवला, हरड़ और बहेड़ा। त्रिफला में आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों ही इसे औषधीय गुण देते हैं। आंवला लिवर और इम्यून सिस्टम के सही काम करने में सहायता करता है। यह बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। यह आलस को दूर करता है। बहेड़ा विशेष रूप से कफ के लिए अच्छा है और श्वास प्रणाली सहित दूसरे अंगों में जमा कफ को कम करता है। हरड़ विषैले पदार्थों को शरीर से निकालता है व अधिक वात को कम। हरड़ का सेवन करने से पित्त कम हो जाता है और पेट की क्रियाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके सेवन से बड़ी आंत में रुका हुआ मल बाहर निकलता है, गैस शरीर से निकल जाती है और पेट को आराम मिलता है। इस तरह त्रिफला शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। त्रिफला ऐसा रसायन है जो लगभग हर प्रकार के रोग में लाभदायक है। यह अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में, शरीर से गंदगी निकलने, आम पाचक गुण के कारण सर्वरोगनाशक और स्वास्थ्यवर्धक है। इसका सेवन रोगों को दूर भगाता है और निरोग देता है। अगर आपको कोई भी रोग नहीं भी है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। श्री श्री तत्व त्रिफला चूर्ण कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जोड़ों के दर्द में 2 कप पानी में 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेकर इसको उबाल ले। आधा कप पानी रह जाने पर ठंडा होने दे और इस त्रिफला रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर आधा कप सुबह और आधा कप रात को सोने से पहले लेने से आपके जोड़ों का दर्द को आराम मिलकर जोड़ों का दर्द का इलाज हो जाएगा। मोटापा कम करना हो, अगर आपको मोटापे की समस्या से परेशान हो तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलकर अच्छी तरह से घोलकर इसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेकर इसको सुबह पीने से आपकी मोटापा कम करने का इलाज हो जाएगा और आपकी बॉडी फिट रहेगी। प्रमेह का रोग का इलाज 3 ग्राम हल्दी, 6 ग्राम मिश्री की फनकी और 3 ग्राम त्रिफला पाउडर लेकर इसको 1 गिलास पानी में मिक्स करके 2 महीने तक रोजाना सेवन करने से प्रमेह रोग नष्ट होता है। खांसी का इलाज 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण, आधा चम्मच गाय का घी और 2 ग्राम चम्मच शहद मिलाकर सुबह चाटने से खांसी का इलाज जो होने में मदद होती है। कब्ज और पेट फूलने में गर्म पानी या दूध से लिया जाता है तो यह कब्ज और पेट फूलना के लिए उपयोगी होता है।